नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीट 12 चैनल में। फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019 का, जिसका मॉडल पेपर है 32। ठीक है, इससे पहले 31 मॉडल पेपर हम लोड कर चुके हैं, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट से जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ इसमें शामिल किया जीके, जीएस एवं जीए करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन। सो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन कुछ नया पढ़ते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। सो फ्रेंड, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी क्रेडिट रेशनिंग। ये क्या है, ये राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षमता निधि का संरक्षक कौन है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम के। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सम वर्षा रेखाएं। सो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी करते चलिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कवक विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जिसकी वजह से दूध से दही बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 12 जोड़े हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहेगी। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाइनरी या द्विगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खाने का सोडा, या इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लौह उल्का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, नोबाल, क्रिकेट,
गोल, हॉकी, नॉकआउट, बॉक्सिंग। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स मोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? कई बार परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन है फ्रेंड। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अरुंधति राय ने लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स मोस्ट हैप्पीनेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पांच राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1494 ईस्वी में फरगना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी, वो कौन था? सो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बाबर ने, ठीक है। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज का उत्तराधिकारी बना तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी लखनऊ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाएं रिपीट हुए पीसीएस एग्जाम तक के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताना है कौन सी पवन नहीं है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी खमसिन। ये क्या है, ठंडी पवन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दिसंबर मध्य फरवरी तक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी केवल लोकसभा में, ठीक है। धन विधेयक हम केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सामाजिक असमानता। ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 19 जुलाई 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी इंदिरा गांधी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी एम एस गोलवलकर, इनको गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में श्रृंगार एवं भक्ति रस की प्रधानता पाई जाती है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भरतनाट्यम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मद्रास, चेन्नई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड में। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।